hello friends welcome to export import learning channel and today in this session we will understand job responsibility of the export documentation in logistic department okay so location is gurgaon and experience required for that 5 to 12 year okay so we will understand role and responsibility okay so if you see on the screen coordinate with freight forwarder Coordination with freight forwarder. Okay. So, if we talk about coordination with freight forwarder, this is very important activities. Okay. When we export the goods, first requirement is to contact with the CHM. Okay. So, in this case, we have to be very alert. फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स टाइमली सो दैट अवर इट्स टाइम एंड shipment schedule time will not affect okay so coordination is very important ठीक है अगर कोर्डिनेशन की हम बात करें तो हमारा रहता है ट्रांसपोर्ट अरेंज करना जैसे आज का हमें ऑर्डर डिस्पेज करना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन आज arrange अरेंज करना होगा चाहे ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ी नहीं है तो वी नीड टू कॉन्टेक्ट another ट्रांसपोर्टर ओके सो नॉट ओनली ट्रांसपोर्टर बट अदर चीज़ें भी होती है जो कि हमें सी के साथ अरेंज करना होता है अगर बुकिंग नहीं मिल रही है तो दूसरे सी से कॉन्टेक्ट करना होता है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन विथ फ्रिट फॉरवर्डर ओके सो फ्रेड फॉरवर्डर और का कोऑर्डिनेशन uh, यही रहता है कि जो हमारा गुड्स uh, की मूवमेंट करवाना कंटेनर बुकिंग करवाना ओके okay, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है समटाइम सी एच ए और फॉरवर्डर सेम ही होते हैं अगर हम इस जो पर्टिकुलर जॉब की बात करें तो फ्रेट फॉरवर्डर लिखा है मतलब कि आपकी शिपमेंट को मूव फ्रॉम वन कंट्री कंट्री तो टू अनदर ओके सो यहाँ पे रोल आता है कस्टम के बाद की जो एक्टिविटीज होती है तो फर्स्ट फ्रेट फॉरवर्डर वी, तो वी तो क्या है क्या रहेगा बिलो बिंग के लिए हमें शिपिंग लाइन इंट्रेक्शन देना होगा इंटरव्यू बुकिंग के बाद इसके बाद जब बिलो ड्राफ्ट Uh, आएगा वहां से तो वी हैव टू अप्रूव इट एंड कॉर्डिनेट फॉर द बिलो ब्लेडिंग ओरिजिनल बिलो ब्लेडिंग ओके जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके लिए मैं कॉर्डिनेट करना है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ओके सो इफ यू टॉक अबर्ट द सेकेंड देन नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन सो प्री एंड पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लाइक ए प्री शिपमेंट इज द डॉक्यूमेंट वी नीड टू प्रिपेयर बिफोर द शिपमेंट्स ओके सो द डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द कस्टम क्लियंस जो भी कस्टम क्लियर्स में डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे दिस आर कॉल्ड द प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट ओके सो ये डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने होंगे जब हम गुड्स को डिस्पेच करते हैं फ्रॉम फैक्ट्री ठीक है तो इन दिस केस वी हैव टू प्रीपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर द कस्टम क्लियंस लाइक ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आस्क बाय दस्टम एंड द रिक्वायर बाय द कस्टम वी नीड टू प्रीपेयर द सेम डॉक्यूमेंट फॉर द Uh, pre-shipment document okay so the document can be like a commercial invoice packing list tax invoice and the format of the custom annexure see scale bill and uh, shipping bill checklist approved shipping bill okay so, so shipping bill number checklist so these are the basic document okay so we have to prepare the pre-shipment document now post shipment document is we will talk in the here in this this column so गो टू दर्ड पॉइंट ठीक है एसो रिलीज एंड कंटेनर स्टफिंग ट्रैकिंग ठीक है सर्विस ऑर्डर रिलीज एंड कंटेनर स्पेटिंग स्टफिंग ट्रैकिंग ओके सो सर्विस ऑर्डर रिलीज का बताए ओके वंस वी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द अवर कस्टमर अवर फर्स्ट स्टेप वर्किंग इज दैट वी नीड टू पंच दिज ऑर्डर इन द अवर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लाइके एस एपी आर वाट एवर सॉफ्टवेयर वी यूजिंग सो जैसा ही ऑर्डर हमें रिसीव होता है वो उसका सेल्स ऑर्डर रिलीज करना है हमें मीन्स कि हमें वो ऑर्डर पंच करना है एसीपी में सो so देट की वो ऑर्डर ऑर्डर की जो डिलीवरी ऑर्डर जनरेट हो जाए और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारी पैकिंग टीम है प्रोडक्शन टीम है दे विल नो दैट द देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड्स ओके एंड दे स्टार्ट द वर्किंग फॉर द सेम ओके सो वहाँ पे हमें रिलीज करने के बाद कंटेनर स्टफिंग ट्रैकिंग करना है जैसे कि हमने कंटेनर जो हमारे लोकेशन पे लगाए हैं स्टफिंग के लिए तो हमें उनकी ट्रैकिंग करना है कि वो टाइमली लोड हो रहे नहीं हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है ठीक है कंटेनर की स्टफिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कंटेनर फिजिकली फिट है नहीं है दिस दिस थिंग नीड टू बी मोनिटर्स फॉर द कंटेनर ट्रैकिंग ओके सो कंटर स्टफिंग ट्रैकिंग में द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये यह आती है कि आपका सबसे बड़ा कि आज जैसे हमें टेन कंटर का हमें डिस्पेज करना है ठीक है तो यहाँ पे हमें टेन कंटर जो हमें बुकिंग लिए वो टेन कंटर हमारे फैक्ट्री में लगनी चाहिए अगर नहीं लगे हैं तो हम इसकी ट्रैकिंग करना है मतलब कि वी नीड टू टॉक विद ट्रांसपोर्टर वेर इज द कंटेनर इफ कंटेनर इज नॉट रिसिविंग ऑन द फैक्ट्री दैट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन लाइक ए कंटेनर इज़ नॉट ओके फिजिकली ओके आर कंटेनर इज नॉट अवेलेबल इन Or we can say any other problem like a, a helper is now available with the truck, so these kind of things may be happen. So we need to uh, we need to follow for that and coordinate with the agent. Okay. So if you talk about point number four or five, the coordinate with CHA. कॉर्डिनेट विथ सी एच ए फॉर कार्गो ओके कार्गो के लिए मैं सी एच ए सी फॉलो अप करना है मीन्स डेट की लाइक वी हैव टू डिस्पेस सम गुड एंड गुड्स आर रेडी फॉर दिस केस वी हैव टू अपॉइंट ए सी एच एंड सी एच ए विल अरेंज द ट्रांसपोर्ट इन दिस केस ओके सो वी नीड टू कॉर्डिनेट विद सी एच ए टू मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू एयरपोर्ट आर कस्टम आईसीडी ओके नेक्स्ट शिपिंग लाइन फॉर डी बी एल ड्राफ्ट एंड एच बी एल इश्योरेंस ओके आल्सो कोर्डिनेट विद द शिपिंग लाइन्स ठीक है शिपिंग लाइन का जैसे कि मैंने देखा था कि जैसे ये ऑर्डर होता है फर्स्ट वी हैव टू बुक दिस स्पेस इन द शिप ओके सो बुकिंग लेनी होती है ऑनलाइन शिपिंग लाइन की वेबसाइट के थ्रू हमें इन्वाइस देनी होती है और उसे शिपिंग लाइन इंटरेक्शन देने होता है जिसमें हमें पूरी डिटेल मैंशन करनी होती है कि आ, क्या लोकेशन है कंटेनर कहाँ जाएगा ये सारी चीज़ लेनी होती है तो वहाँ पर आता है शिपिंग लाइन फॉर शिपिंग लाइन फॉर द बीएल एल ड्राफ्ट ओके तो ड्राफ्ट जो आएगा हमारा बीएल का वी नीड टू अप्रूवीएलता बनता कैसे जो भी हमें कमर्शियल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे शिपिंग लाइन इंट्रेक्शन देते हैं वही शिपिंग लाइन इंट्रेक्शन बीएल एल ड्राफ्ट के रूप में हमारे पास आती है और वी नीड टू चेक आउट दीज बी एल ड्राफ्ट इज ओके और नॉट ठीक है इन द सेम वे एच बी एल अगर कोई आप डायरेक्टली शिपिंग लाइन से करे तो आपका बी एल आएगा ऑरिजिनल बिलोप लाइडिंग अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कंट्रोल बुकिंग करें तो वहाँ पे एच बी एल आपको मिलेगा ठीक है पॉइंट नंबर सिक्स की बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट ओके तो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने हैं लाइक एंड द शिपमेंट इज जस्ट डिपार्चर फ्रॉम आवर फैक्ट्री देन आफ्टर कस्टम क्लियर शिपमेंट रीच एट द सी पोर्ट एंड द पर टाइम शेड्यूलिंग ऑफ द शिपिंग द कंटेनर विल लोड ऑन द शिप ओके सो इन दिस केस वंस वी रिसीव द बिलो प्लेटिंग वी नीड टू प्रिपेयर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द बैंक ओके सो यहाँ पे प्रिपरेशन तो पोस्टमेंट डॉक्यूमेंट का हम हमें जो सेटअप डॉक्यूमेंट मिलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन ओके सो द रिक्वाज कॉल पोस्ट डॉक्यूमेंट वी नीड टू सबमिट इन द बैंक उसके बाद फाइनल इनवोइ सीओ एंड एच बी एल ठीक है तो फाइनल इनवो प्रिपेयर करनी है हमें क्योंकि बैंक में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट कुछ और होते हैं और जो प्रीशेपमेंट हमने बनाया है तो कुछ वो होता है तो इसमें जो डिफरेंस होता है हमें फाइनल लैंग्वेज प्रिपेयर करनी होती है वो एज पर कंट्री रिक्वायरमेंट करनी होती है उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ वर्जन एम बी एल आर एच बी एल जो भी है हमारा इन सारे के लिए हमें कोऑर्डिनेशन करना है और प्रिपेयर करना है ठीक है तो यहाँ पे बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है पेमेंट के लिए ठीक है तो पोस्टिपमेंट डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे बात करें एम आई इज पैटर्न टू ऑर्डर बुकिंग ठीक है हमें जो ऑर्डर हम बुक करें उसकी एम एस प्रिपेयर करनी है ठीक है डिओ लेना है डिओ जब एक्सपोर्ट के केस में डिओ कैसे मिलता है जैसे हम हमें कंटेनर बुकिंग मिल गई तो वहाँ से एक ऑर्डर जनरेट होगा एक बुकिंग जनरेट होगी जिसपे सारी डिटेल लिखी होगी कि कंटेनर कब लगेगा क्या है ठीक है इस टाइप से शिपिंग लाइन रिलेटेड कि शिपमेंट जैसे आज हमने कंटेनर बुक किया ठीक है तो यहाँ पे इन्वॉइस के बेस पे कंटेनर बुक हो गया तो वहाँ से एक बुकिंग रिलीज़ होगी शिपिंग लाइन से उसमें लिखा होगा लिखा होगा कि कितनी तारीख को शिपमेंट एस ओ बी होगी वहाँ पे कब पहुंचेगी सच काइंड ऑफ डिटेल तो कौन सा पोर्ट लोडिंग होगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा कंटेक्ट नंबर क्या होगा सो तो दिस डिटेल मेंशन ऑन द डिलीवरी ऑर्डर और ये डॉक्यूमेंट हम दिखाते तभी तो हमें एम टी कंटेनर यार्ड से मिलेगा तो ये है डिलीवरी ऑर्डर इन एक्सपोर्ट ठीक है फाइनली कंटेनर ट्रैकिंग कंटेनर ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो हमारा कंटेनर हम डिस्पैच कर रहे हैं वो कैसे ट्रैक किया जा रहा है ठीक है जस्ट लाइक वी हैव डिस्पेच कंटेनर फ्रॉम फैक्ट्री तो यहाँ पे हमने देखना है कि कंटेनर फैक्ट्री से आपका आईसीडी तक कब पहुंचा कितनी तारीख को पहुंचा हमने कितनी तारीख को डिस्पेज किया था कस्टम क्लियंस कितनी तारीख को हुई इसके अलावा वी कैन से आपकी शिपमेंट्स एस ओ बी कब हुई उसके बाद आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है वो वी नीड टू चेक आउट ऑन द वेबसाइट ऑफ द शिपिंग लाइन ओके और हमें ये बताना चाहिए कि हमारी शिपमेंट पोर्ट ऑफ लोडिंग तक कब पहुंचती है हमने डिस्पेच करने के बाद ठीक है तो सर इट टेक ऑलमोस्ट टेन डेज ठीक है तो जैसे आज हमने गुड डिस्पेच किया दो तीन दिन तो हमारा कस्टम के लिए में लग जाता है देन वो मूवमेंट होती है जैसे टिकट डे तो डी से आपका मुंद्रा पोर्ट जा रही तो मुंद्रा पोर्ट में आपका बाय रोड बाय रोड जाए या बाय ट्रेन जाए इसमें कुछ टाइम लगता है तो इसे नाइन टू टेन डेज लग जाते हैं आपके शिपमेंट मूवमेंट होने में तो इस स्टेशन को समझने का यही हमारा इंपॉर्टेंस था कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव की वो क्या होती है इसका ही सेकेंड पार्ट हम आगे बनाएंगे So, then you can watch the next video. Okay, so guys, thank you for watching the session. Have a nice day.